गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। पिछला जो हमारा लेक्चर था मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए एक जो लर्निंग बाय डूइंग का जो अपना कंसेप्ट है उसी को आगे बढ़ाते हैं और अपने पास जो फर्स्ट ईयर के अंदर एक थ्योरी आती है कोलिजन ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ द बॉडी उसको आप थ्योरी को डिस्कस करते हैं और उसको डिस्कस करके हम उसका प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे। मैंने आपको पिछले टर्न पर कहा था कि कोई भी चीज़ को आपको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना है, थ्योरी के अंदर जहाँ तक चीज़ें हों उसको विजुलाइज करना, उसको विजुलाइज के साथ में अगर पॉसिबल हो तो उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई भी करना। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे कुछ बोर्ड के ऊपर कुछ चीज़ें आपके बना दी है जो आपको सबको सब फेमिलियर हो। एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्लेन है और हॉरिजेंटल प्लेन है, इसके ऊपर दो मासेज है M1 और M2 और इनकी जो कोलिजन के पहले वेलोसिटीज है वो U1 और U2 है और कोलिजन के बाद में V1 और V2 हो जाती है कोलिजन के बाद में इनके। अब इस इक्वेशन में इसमें हम बेसिकली क्या काम करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करते हैं, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम करते हैं और उसके हिसाब से हमें बिफोर द कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम जो होता है उनको दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, छोटी सी बात का मैं रिक्लेक्ट कराऊंगा ऑफिस कि लीनियर मोमेंटम के लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है मगर चूंकि ये प्लेन हॉरिजेंटल है, अर्थ के हॉरिजेंटल है, इसलिए यहाँ पे जी का इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये पॉइंट को अपने को नोट करना है। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली में मैकेनिकल एनर्जी है जो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी से मिलकर बनता है मगर चूंकि अपन ने प्लेन को हॉरिजेंटल ले लिया है इसलिए जी का इफेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, एक तो फोर्स के रूप में और एक पोटेंशियल एनर्जी दोनों के रूप में नलीफाई हो गया। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नियम ही मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का नियम बन जाता है और इससे अपने पास आता है बिफोर द कोलिजन लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो सम है वो बराबर हो जाता है। मैंने यहाँ जल्दी जल्दी मैं V2 को लिख दिया तो मैं इसको V2 कर देता हूँ, गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, इसको अपन ठीक कर देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को M1 को एक तरफ लेके आ जाए, M2 को एक तरफ लेके आ जाए और सिंप्लीफाई करें तो दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद में हम एक छोटा सा ये फॉर्मूला निकाल सकते थे V1 - V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ U1 - U2। इसका मतलब रिलेटिव कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अब इस इक्वेशन और एक नंबर इक्वेशन को हम एक्स और वाई के रूप में सॉल्व कर देते हैं, V1 और V2 के लिए सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में हम V1 और V2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने के बाद में ये आती है V1 = M1 - M2 / M1 + M2 × U1 + 2M2 / M2 × U2 और V2 की वैल्यू आती है 2M1 / M1 + M2 × U1 + M2 - M1 / M1 + M2 × U2। ये दो बेसिकली वेलोसिटीज हैं आफ्टर द कोलिजन। अब मैंने आपको कहा कि इसके डिफरेंट केसेज हैं, इनको प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे, पर प्रैक्टिकली वेरीफाई करने से पहले हम छोटा सा इसका एक केस ले लेते हैं। पहला हम केस जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि जो एक बॉडी है M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1, इसका मतलब जो एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी की तुलना में बहुत ज़्यादा मैसिव है। जैसे अगर अपन एग्जांपल के लिए बात करें तो अपन एक ट्रक और साइकिल की एक्सीडेंट कोलिजन जो है, एक्सीडेंट ना करके मैं इसको कोलिजन कहूँ, वो होगा। या दूसरा और छोटा सा अपन एग्जांपल लें, एक हाथी चल रहा और एक मक्खी आके उसको कोलाइड कर दे, ठीक है ना, ये एक छोटे से इसके एग्जांपल है। दूसरा हम एग्जांपल जो है वो दोनों एग्जांपल को अपन लेकर के मैं इस बॉल से आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। ये जो बॉल है इसको मैं बोल दूँ M1 और जो ये कमरे का जो फर्श है, ये जो फर्श है ये M2 का काम करेगा। M2 एक्चुअल में ये कमरा नहीं है, ये अर्थ है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको फिगर के रूप में बताना चाहूँ तो इस तरीके से करते हैं कि M1 तो ये रहा और M2 जो है वो ये बड़ी सारी वो अर्थ है इस तरीके से और ये नीचे आ रहा है। तो M1 बहुत छोटा है और M2 बहुत बहुत ज़्यादा है जो अपना केस है इसके ऊपर है। और इसमें एक पर्टिकुलर चूंकि इस बॉल के रिलेटिव अपने जो बॉडी के रिलेटिव जो अर्थ है वो एक बार स्टेशनरी है तो U2 यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर हम ये दो कंडीशन इस इक्वेशन में लगा दें, अप्लाई कर दें, इन दोनों में V1 और V2 में अप्लाई कर दें तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। वो है V1 = -U1, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना बहुत काम का चीज़ है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन वो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और क्या हो जाएगा,
डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी। ये जो थ्योरेटिकली बात है इसको हमें प्रैक्टिकली प्रूव करना है। और दूसरा वी टू जो है वो यू टू ही रहेगा, और इसका मतलब है जो उसकी वेलोसिटी है वो पहले भी जीरो थी और अभी भी जीरो रहेगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बता रहा हूँ, ये बॉल है इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा, छोड़ूंगा तो जब अर्थ पे टकराएगी, और टकराने के बाद मैं देखेंगे वापस ऊपर आएगी, ठीक है ना। हो सकता है ये उतनी हाइट पे ना आ पाए जितनी हाइट से मैं इसको छोड़ रहा हूँ या थ्रो कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि अभी यहाँ पे हमने इलास्टिक कोलिजन लिया है, मगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। तो आप देखें, नोट करें, मैं एक बार इसको बॉल को नीचे करता हूँ और देखते हैं क्या आता है। ये मैंने बॉल को यहाँ से छोड़ा, छोड़ा तो ये नीचे गई, इसकी जब अर्थ पे वेलोसिटी पहुंची तो वो थी यू वन, ये वाली यू वन थी। अब कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू वन ही रहेगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऊपर। जब ये नीचे जा रही थी तो इसमें जो इसकी डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी, और जो कोलिजन के बाद में डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो एक छोटा सा चीज देखिए, आप वापिस देखिए, ये जो बॉल है अभी डायरेक्शन थोड़ी बदल गई, ये साथ में अपने पास इस तरीके से हम छोटे से बॉल से जो हर एक व्यक्ति के पास अपने घर में अवेलेबल होती है, हर एक चीज अवेलेबल होती है, उससे जो अपनी थ्योरीज हैं उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बॉल ने कोलाइड करा तो अर्थ की वेलोसिटी जो पहले वाली थी वही रही, मतलब जीरो ही रही, तो अर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन क्या होगी, बदल गई। तो इस तरीके से हमें कोई भी चीज को जो थ्योरी की चीजें हैं उनको क्या करना है, प्रैक्टिकली वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद ही एक्सेप्ट करना है। इससे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सीखें, खूब आगे बढ़ें, करके सीखें, अपने हाथ से करें, टीचर से करवाएं, अपने साथियों से कराएं, और खूब एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।